ज़ेपोरोजिया में यूक्रेन के 18 फ्रंट लाइन पर हमला हुआ है। 24 घंटे में 18 फ्रंट लाइन पर जिस तरीके से ये बड़े हमले की खबर आ रही है, 84 बार 24 घंटे में ज़ेपोरोजिया पर वार हुआ है और 24 घंटे में ही 68 शेलिंग, MLRS से 7 और 8 ड्रोन से भी हमला हुआ है। रूसी हमले में रिहायशी इलाके तो लगातार टारगेट पर रहे हैं, लेकिन इस बीच बड़ी खबर ये आई है कि 100 से ज्यादा घरों को भी अब नुकसान पहुंचा है। तो रिहायशी इलाके तो चपेट में है, लेकिन यूरोप के सबसे बड़े न्यूक्लियर प्लांट में तबाही की घंटी अब बज चुकी है, क्योंकि ज़ेपोरोजिया न्यूक्लियर प्लांट पर रूस का हमला और रूसी हमले के बाद न्यूक्लियर प्लांट में ब्लैकआउट, ये बड़ी खबर। इमरजेंसी जनरेटर्स मोड में अब न्यूक्लियर प्लांट है और ज़ेपोरोजिया प्लांट के जनरेटर में सिर्फ 10 दिन का ही फ्यूल बचा है। ये सबसे बड़ी खबर है, जहां अब 10 दिन का, सिर्फ 10 दिन का ही फ्यूल ज़ेपोरोजिया प्लांट के जनरेटर में बचा है। इस बीच 10 दिन में न्यूक्लियर महाविनाश, यही बड़ी वजह है जिस पर हम चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि रूस की यूरोप के सबसे बड़े ज़ेपोरोजिया न्यूक्लियर पावर प्लांट पर बमबारी को लेकर बड़ी खबरें आई हैं और ज़ेपोरोजिया में ही 18 यूक्रेनी फ्रंट लाइन्स पर रूस के 84 हमले हो चुके हैं। हालांकि रूसी शेलिंग के बाद ज़ेपोरोजिया न्यूक्लियर प्लांट में ब्लैकआउट को लेकर खबर आई, क्योंकि हमले के बाद प्लांट के कूलिंग रिएक्टर्स के लिए बिजली आपूर्ति बंद हो चुकी है और 10 दिन के अंदर बिजली सप्लाई शुरू नहीं हुई तो न्यूक्लियर विनाश तय है। ब्लैकआउट के बाद ऑटोमेटिक जनरेटर मोड पर न्यूक्लियर प्लांट आ चुका है और न्यूक्लियर प्लांट के जनरेटर में सिर्फ 10 दिन का ही ऑयल शेष रह गया है। इस बीच सबसे पहले मैं कमर आगा सर आपके पास आना चाहूंगी, क्या यह माना जाए कि जिस रणनीति के तहत ज़ेपोरोजिया टारगेट पर रहा है वो अब अमल में आ गई है, खतरा बढ़ गया है और ये हम पहले से जानते हैं, ज़ेपोरोजिया पर वार मतलब यूरोप के लिए बड़ा खतरा। यूरोप के लिए बड़ा खतरा, लेकिन साथ में रशिया के लिए भी बड़ा खतरा। वहाँ पे काफ़ी उनके ट्रुप्स हैं, डिप्लॉयड हैं और उस एरिए में न केवल शहर में बल्कि आसपास के एरिए में सब चपेट में आ जाएंगे और बहुत बड़ा लॉस यूरोप का होगा, यूक्रेन का होगा और दूसरे आसपास के देशों तक इसकी रेडिएशन फैलेगा। ये क्योंकि सबसे बड़ा उनका न्यूक्लियर पावर प्लांट है, सोवियत एरा का है, सोवियत्स ने बिल्ड किया था, रशियंस ने इसको उस समय में, और इससे रशिया ने इसको कब्जा किया था, उनको सोचा था कि इससे वो बिजली जो है वो क्राइमिया और दूसरी जगह पे सप्लाई करेंगे रशिया को, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया रहा, इसी के बराबर ये टारगेट में रहा है जी। यूक्रेन कभी रशिया को अक्यूज करता है, रशियंस यूक्रेन अक्यूज करते हैं कि वो इसके पीछे हैं, लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आता कि रशियंस ऐसा क्यों करेंगे, ये एक बहुत बड़ा सवाल बना हुआ है कि ऐसा करके अपनी बड़ी मुसीबत मोल ले लें और फिर उसके बाद ये कि इंटरनेशनल कम्युनिटी में भी उनकी छवि पे बहुत असर पड़ेगा ऐसे ही पहले से जंग को चलते हुए, और फिर दूसरी तरफ ये भी है कि डायरेक्ट इनके लोगों का बहुत क्षति पहुंचेगी, ये रिस्पॉन्सिबल है, इनके कब्जे में है और कौन कर रहा है वहां पे, बहुत से अजाव ब्रिगेड भी है उसके बारे में कहा जा रहा है, बहुत ही मर्सिनरी। सर आई एम सॉरी टू बटन, बट बहुत वैलिड पॉइंट्स आपने यहां पर हाईलाइट किए हैं, इसी को लेकर मैं हमारे सहयोगी मनीष का भी रुख करूंगी जो इस पूरे इलाके के बारे में भी वाकिफ हैं और खुद जमीनी स्तर पर उस हकीकत को हमारे साथ वक्त वक्त पर शेयर भी करते रहे हैं। लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर का रुख करना चाहूंगी, क्योंकि कीव समेत अब महायुद्ध के पहले विस्फोट को लेकर यह बड़ी खबर है, कीव समेत यूक्रेन के कई इलाकों पर रूसी अटैक को लेकर बड़ी डिटेल्स आई हैं। खार्किव निप्रो में रूस का ड्रोन से हमला हुआ है और ओडिशा में रूस ने ब्लैक सी से ये ड्रोन अटैक किए हैं। अब रूसी ड्रोन अटैक को नाकाम भी किया गया है, ये यूक्रेन दावे कर रहा है, लेकिन कीव ओडिशा निप्रो में एयर रेड अलर्ट को लेकर भी बड़ी खबरें आ रही हैं। बाखमुत के बाद अब यूक्रेन के दूसरे इलाकों पर रूस का हमला तेज हो चुका है, एक और बड़ी खबर है, जहां एक दिन में रूस ने 52 एयर स्ट्राइक की है, 6 मिसाइल स्ट्राइक की है, रूसी फोर्स ने यूक्रेनी ठिकानों पर 65 MLRS से अटैक किया है और क्यूबियांस लिमन अवदिवका मोरिंका पर जिस तरीके से टारगेट किया जा रहा है बड़ी तबाही मची हुई है।
एक और बड़ी खबर है जहां समंदर से रूस का यूक्रेन पर विध्वंसक अटैक हुआ है और यूक्रेन के निप्रो पर रूस ने 16 मिसाइलें दागी हैं। रूसी फौज ने 20 से ज्यादा ड्रोन अटैक भी किए हैं। अब क्रिमिया सी से 4, एजोव सी से 5 मिसाइलें दागी गई हैं और क्रिमिया से भी 2 स्कैंडर मिसाइल्स दागी गई हैं। और रूस की एयरबोर्न फोर्स ने कैसे माइंस का जाल बिछाया है। अगली बड़ी खबर, यूक्रेन को काउंटर अटैक से रोकने का यह प्लान जिसको लेकर यह बड़ा खुलासा हुआ, बीटीआरडी व्हीकल से बिछाए गए थे लैंड माइंस, यूक्रेनी फोर्स को आगे बढ़ने से रोकने का प्लान था।